Praise the Lord and good morning. और सुप्रभात और आप सबको जय मसीह की। Dear brothers and sisters, God's mercy and faithfulness and love has brought us to this new day. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की दया, करुणा और प्रेम हमें आज के दिन तक यहाँ ले आई है। I just like to give a short meditation on what is the Christian gospel. और आज की सुबह मैं बड़े छोटी रीति से आपके बीच एक मनन को रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कि मसीही सुसमाचार है क्या। What is this gospel that we preach? और ये सुसमाचार है क्या जिसका प्रचार हम करते हैं? The one gospel changing the whole world. और एक ऐसा एकमात्र सुसमाचार जो पूरे विश्व को बदल रहा है। The Christian gospel centers upon the proclamation that through the death and resurrection of Jesus Christ, believers are enabled to break free from the state of sin. और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से पापियों को उस एक ऐसा स्थान मिलता है जहां वो अपने पापों से आज़ादी पाकर स्वतंत्र हो जाते हैं। And that is through the death and resurrection of Jesus Christ. और ये संभव होता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। That is what we proclaim. और इसी बात का हम प्रचार करते हैं। Apostle Paul was very particular about. और पौलुस प्रेरित इस बारे में बड़ा ही हियाव के संग इस बात को कहता है। So one point in his life. और अपने जीवन के एक स्थान पर he determined उसने इस बात को निश्चित किया that he will not declare anything else except Jesus Christ and him crucified. उसने इस बात को निश्चित कर लिया कि वो और किसी बात की घोषणा करेगा ही नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह, वो यीशु जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया that गया became the most important point of his preaching. और वही बात उसके प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। Although the New Testament states or suggests that salvation is inaugurated but not completed in this life. और कई सारे बात को हम जानते हैं, जिस प्रकार उद्धार का जो है उद्घाटन तो इस जीवन में कर दिया गया है, लेकिन वो अभी संपूर्ण रीति से समाप्त नहीं हुआ। Through faith, the believer begins to break the power of sin. और विश्वास के द्वारा एक विश्वासी पाप के सामर्थ्य को अपने जीवन में तोड़ने की शुरुआत करता है। But there are three stages in our completion, and the third stage is still to happen. लेकिन तीन ऐसी पड़ाव हैं या स्तर हैं हमारे जीवन में जिसे होना अनिवार्य है, और वो तीसरा अभी भी होने के लिए बचा है। So concerning our salvation, it is said, we are saved. और हमारे उद्धार के विषय में ये कहा जाता है कि हम बचा लिए गए हैं। And we are being saved. और हम बचाए जा रहे हैं। And then we will be saved. और उसके पश्चात कहा लिखा गया हम बचा लिए जाएंगे। The story is told of a little girl who asked a bishop whether he was saved. और कहानी इस प्रकार है कि एक जवान बेटी लड़की एक बिशप साहब से पूछती है कि क्या वो बचा लिए गए हैं। And his answer was this. और उनका उत्तर ये था, I have been saved from the penalty of sin. कि मुझे पाप के दंड से बचा लिया गया है। Now I am being saved from the power of sin. और अब मुझे पाप के सामर्थ्य से बचाया जा रहा है। But one day, लेकिन एक दिन, I shall be saved from the presence of sin. मैं उस पाप की उपस्थिति से भी बचा लिया जाऊंगा। There is a penalty of sin. एक पाप की ताड़ना है या उसके प्रति एक सजा है। And we are saved from that. और उस पाप की सजा से हम बचा लिए गए हैं। And the Bible says the wages of sin is death. और वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But the gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर का तोहफा तो वो अनंत जीवन है। Through Jesus Christ our Lord. जो प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के द्वारा संभव है। That happens the first time we accept and acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior of our life. और ये तब होता है जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण करते हैं। And we invite this Christ to come into our heart.
और हम इस यीशु मसीहा को ये न्योता देते हैं कि वो हमारे हृदयों में आए एंड लिव इन अस और हमारे भीतर जिए. ही बिकम्स अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ रेसिडेंस विद इन अस और वो हमारे भीतर एक स्थाई निवास स्थान बना लेता है. एंड दस वी आर सेव्ड फ्रॉम दैट पेनल्टी व्हिच इज डेथ और इसके द्वारा हम उस दंड से बचा लिए जाते हैं जो कि मृत्यु है. There is therefore no condemnation for anyone who is in Christ. और इसलिए वे जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके ऊपर अब कोई दोष नहीं. And again, for God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए. But yes, that salvation has happened. But nevertheless, we are still in this world. और वो उद्धार तो हो चुका है लेकिन हम फिर भी इस संसार में हैं. Surrounded by wickedness and unrighteousness and corruption and immorality, all kinds of sin. और अपने इर्द गिर्द हम चारों ओर घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार बुराई हर प्रकार की बुराई और दुष्टता से. So this power of sin can again and again attack a follower of Jesus. और इसलिए ये पाप का शक्ति बार बार एक विश्वासी के ऊपर आक्रमण कर सकता है. So what is the provision? तो उसके बचाव के लिए क्या है? The Lord God has given us various ways when we can fight against the influence and power of sin. और पिता परमेश्वर ने हमें कई सारे तरीके दिए हैं कि हम पाप के विरुद्ध और उसके प्रभाव के विरुद्ध लड़ सकते हैं. Prayer, प्रार्थना, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, and और the power of God's word, और परमेश्वर के वचन का सामर्थ. By using these three weapons. और इन तीन हथियारों का प्रयोग करने के द्वारा Jesus Christ won victory of all temptations that he faced in the wilderness. और यीशु मसीह ने इन तीन हथियारों का प्रयोग करने के द्वारा उस मरुस्थल में उस जंगल में अपनी सारी परीक्षाओं के ऊपर विजय पा ली. God has made all these three things available for us as believers and followers of Jesus Christ that we may use them and overcome the power of sin. और प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों हथियारों को हमारे लिए मुहैया करा रखा है उपलब्ध करा रखा है ताकि हम इनका प्रयोग कर उस शैतान के ऊपर विजय पा सके. And that's how we are being saved. और इसी के द्वारा हम बचाए जा रहे हैं power of sin. पाप के सामर्थ्य से. And then one of these days, और इन दिनों में से किसी एक दिन में We shall be saved. हम बचा लिए जाएंगे. I shall be saved. मैं बचा लिया जाऊंगा. You who remain faithful to the Lord Jesus Christ, you will be saved. आप जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे आप बचा लिए जाएंगे. From what? किससे? From the very presence of sin. और उस पाप की उपस्थिति से आप बचा लिए जाएंगे. And when does that happen? और ये कब होता है? That happens when the Lord Jesus Christ will come to take his church away from this world. और ये तब होता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को उठाने के लिए. Which is called the rapture of the church. जिसको कहा जाता है कलीसिया का उठाए जाने का समय. And when the rapture happens. और जब कलीसिया का उठाया जाना होगा. We are changed. हम बदल दिए जाएंगे. Transformed. हम बदल दिए जाएंगे. And we put on the resurrection body. और हम पुनरुत्थान शरीरों को पाएंगे. And the dead in Christ shall rise again with the resurrection. और जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो अपने पुनरुत्थान हुए शरीरों के संग जी उठेंगे. Together we shall be caught up and we meet the Lord Jesus Christ whom we served and worshipped all these whole life up in the air. और एक साथ मिलकर हम उस हवा में उठा लिए जाएंगे जहां पर हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे. From the clouds he takes his church and present his church to God the Father. और बादलों पर आएगा यीशु मसीह और अपनी कलीसिया को उठाने के पश्चात उस कलीसिया को पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करेगा. We are no longer living in this world. और अब हम उस संसार में नहीं जिएंगे. Surrounded by sin and its power. और उस पाप के सामर्थ और पाप से घिरे हुए. So our ultimate third stage of salvation is when we leave this world from the very presence of sin. और इसलिए हमारा तीसरा पड़ाव उद्धार का ये है जब हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में हो लेंगे. That time is
fast approaching. और वो समय बहुत जल्द ही आ रहा है. Time is short. और वो समय बहुत कम है. So let us be ready. और होने दे हम तैयार रहें. By living holy lives. और होने दे अपने पवित्र जीवनों को जिए. And speeding up the evangelization. और सुसमाचार के कार्य को और गति से बढ़ाएं. And when we aggressively involved in evangelism. And sending out missionaries to as many places as possible, we are speeding up the coming of the Lord. और जब हम ऐसा करते हैं, जब सेवा कार्य के काम को बढ़ाते हैं, सेवा कार्य करने वाले लोगों को भेजते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को और जल्द लाने का प्रयत्न कर रहे हैं. So remember. और इसलिए याद रखिए. You are already saved from the penalty of sin. और आप पाप के उस दंड से बचा लिए गए हैं. And now you are being saved from the power of sin. और अब आप उस पाप के सामर्थ्य से बचाए लिए जा रहे हैं. Days, और इन दिनों में से किसी भी एक दिन बहुत जल्द we will be raptured, removed from the very presence of sin to live with this God, with the Lord Jesus Christ forever and ever. हम इन दिनों में से किसी भी एक दिन उठा लिए जाएंगे जब यीशु का आगमन होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, ताकि हम परमेश्वर के संग युगानुयुग रहें. So, who are ready to और इसलिए कौन तैयार है उठाए जाने के लिए? True Christians are those who are being saved. सच्चे मसीह तो वही हैं जो बचाए जाए जा रहे हैं. But many people are not being saved. लेकिन कई लोग बचाए नहीं जा रहे. Because they don't care. क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं. They don't overcome. और वो जयवंत जीवन नहीं जीते. Overcome the power of sin. और उस पाप के सामर्थ को के ऊपर विजय नहीं पाते. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. There is no excuse for us to be defeated. हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है कि हम हरा दिए जाएं. And lose our life. और अपने जीवनों को खो दे. Because we are not utilizing the these blessings, this power power that is made available through the resurrection power of Jesus. क्योंकि हम उस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहे जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है. And also the word of God और प्रभु यीशु मसीह का वचन and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा and the prayer life और वो प्रार्थना का जीवन. All these three needs to be employed vigorously against all sin and against all evil. और इन तीनों बातों को हर एक प्रकार के पाप, हर एक प्रकार की बुराई के विरुद्ध हमें प्रयोग करना है. This is God's will for you. और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए. Enjoy Christian life. अपने मसीही जीवन का आनंद ले. Victorious life. एक जयवंत जीवन. An overcoming life. और एक ऐसा जीवन जिसमें आप जयवंत ठहरे. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर. Blessed Holy Spirit. हमारे आशीषित पवित्र आत्मा. We need you. हमें आपका आवश्यकता है. All of us need you. हमें हम सबको आपकी आवश्यकता है. You are the power against all the evil. क्योंकि तू ही वो सामर्थ्य है हर एक बुराई के प्रति. And the word of God. और परमेश्वर का वचन is the sword of the spirit. वो परमेश्वर का तलवार है, आत्मा का तलवार. And the prayer, और वो प्रार्थना. We are constantly in touch with our source of strength and determination. हम निरंतर अपने उस स्रोत से जुड़े हुए हैं जो हमारी इच्छा शक्ति और ही आपको बढ़ाता है, which is heaven. जो कि स्वर्ग है. So Lord, और इसलिए परमेश्वर we never miss opportunities to pray and seek the Lord. और इसलिए हम कभी भी उन मौकों से चूके ना कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के मुख को निहारें. Bless your people. अपने लोगों पर आशीष दें. Bless our young people. हमारे जवानों पर आपका आशीष. Bless our children. हमारे बच्चों पर आपका आशीष. All age groups shall be overcome. ताकि हर एक उम्र के ये बच्चे, जवान सब जयवंत ठहरने पाए. For the glory of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. He is great and greatly to be praised. वो महान है और महानता के संग उसकी स्तुति होनी चाहिए. आमेन. आमेन.